Hello and welcome to the series of lectures on power electronics. Again, we are discussing the power circuits. And last जो topic है आपके इन power circuits में वो है gate turn off thyristor, जिसको जिसको short form में हम बोलते हैं GTO. पहले भी बीच में GTO के बारे में discussion हुआ है जब हम लोग PUT, SCS, SITH के बारे में पढ़ रहे थे. ठीक है, तो gate turn off thyristor आपका last topic हो जाएगा इस particular power वाले thyristor का, power जो circuits हम पढ़ रहे हैं उसका, जो हमने स्टार्ट किया था पावर डायोड से. ओके, सो टुडे वी आर कंक्लूडिंग यूनिट नंबर वन. ओके, सो अ गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर, अ पीएनपीएन डिवाइस कैन बी टर्न्ड ऑन लाइक एन ऑर्डिनरी थायरिस्टर बाय अ पल्स ऑफ पॉजिटिव गेट करंट. गेट टर्न ऑफ जो थायरिस्टर है वो नॉर्मली वैसा ही पीएनपीएन डिवाइस है जैसा कि ऑर्डिनरी थायरिस्टर होता है, और हम कैसे ऑन करते हैं उसको, पॉजिटिव गेट करंट से या पॉजिटिव पल्स से. ठीक, इन इन्वर्टर एंड चॉपर सर्किट्स, इन्वर्टर और चॉपर हम लोगों ने अभी तक तो नहीं पढ़ा है, बट मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि इन्वर्टर क्या करता है, डीसी को किस में कन्वर्ट कर देता है, एसी में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है, वो इन्वर्टर है. एसी को डीसी में कन्वर्ट करे तो रेक्टिफायर है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करे तो इन्वर्टर, जैसा कि हम लोग घरों में ये देखते हैं, ऑफिस में देखते हैं इन्वर्टर. चॉपर, चॉपर क्या करता है, डीसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करता है. तो अ थायरिस्टर कैन बी टर्न्ड ऑफ बाय फोर्स्ड कम्यूटेशन. कम्यूटेशन हम लोगों ने पढ़ लिया, उसमें फोर्स कम्यूटेशन की कैटेगरी जो हम लोगों ने पढ़ी थी एबीसी, वो सब फोर्स कम्यूटेशन में आता है. ठीक है, तो इन इन्वर्टर एंड चॉपर सर्किट्स अ थायरिस्टर कैन बी टर्न्ड ऑफ बाय फोर्स कम्यूटेशन. फॉर सच एप्लीकेशंस अ जीटीओ इज हाउएवर अ मोर वर्सेटाइल डिवाइस. इन एप्लीकेशंस के लिए जहां पे इन्वर्टर और चॉपर का यूज करेंगे हम, जीटीओ जो है ज्यादा वर्सेटाइल एज कंपेयर टू एससीआर. इट कैन बी इजीली टर्न्ड ऑफ बाय अ नेगेटिव गेट पल्स ऑफ एप्रोप्रिएट एम्पलीट्यूड. सिर्फ एक नेगेटिव गेट पल्स दे दो आप एप्रोप्रिएट एम्पलीट्यूड का, तो आप जीटीओ को क्या कर सकते हो, टर्न ऑफ कर सकते हो. एससीआर में डिफरेंट सर्किट्स बनाने पड़े थे हमको, एलसी, कभी पैरेलल में, कभी सीरीज में, कभी डायोड जोड़ा, कभी सिमेट्रिकल डायोड लिया, तो अभी दो डायोड लिए, तो बहुत सारे अलग अलग तरीके से हम लोगों ने उसको टर्न ऑफ करना सीखा है, जो कम्यूटेशन टेक्निक हम लोगों ने पढ़ी है, ए बी सी डी ई एफ, और जो कम्यूटेशन टेक्निक है. ठीक है, बट जीटीओ के साथ ऐसा नहीं है. जीटीओ में सिंपली नेगेटिव पल्स अप्लाई करके आप उसको क्लोज कर सकते हो. तो जीटीओस वर डेवलप्ड समटाइम्स इन द लेट 1960s, बहुत पुराना डिवाइस है ये भी, बट दिस कुड नॉट फाइंड कमर्शियल यूज बिकॉज ऑफ सर्टेन परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स. ओनली रिसेंटली मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज हेल्प्ड इन इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस ऑफ जीटीओस, एंड दीज आर नाउ बीइंग यूज्ड इन सेवरल कमर्शियल इन्वर्टर्स. तो आज जो कमर्शियल इन्वर्टर है उसमें टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ जो है वो किसका यूज हो रहा है, जीटीओ का यूज हो रहा है. एज नो फोर्स्ड कम्यूटेशन सर्किटरी इज रिक्वायर्ड, कोई फोर्स कम्यूटेशन हम लोग नहीं कर रहे हैं जीटीओ में. इन्वर्टर्स यूजिंग दीज डिवाइसेस आर कॉम्पैक्ट एंड कॉस्टलेस. लेस कॉस्टली है, कॉम्पैक्ट है. कॉम्पैक्ट इसलिए क्योंकि अलग से कोई सर्किट नहीं लगा रहे हो आप उसको टर्न ऑफ करने के लिए, है ना, जैसे एबीसीडी कम्यूटेशन में हम लोगों ने पढ़ा है अलग से सर्किट बनाना पड़ता है टर्न ऑफ करने के लिए, वो ऐसा कर नहीं रहे हम लोग, इसलिए कॉस्ट भी लेस हो गई, कॉम्प्लेक्सिटी भी लेस हो गई. द नेगेटिव गेट करंट रिक्वायर्ड टू टर्न ऑफ अ जीटीओ इज क्वाइट अ लार्ज परसेंटेज ऑफ एनोड करंट प्रायर टू कम्यूटेशन. ओके, मतलब ज्यादा करंट लगेगा आपको उसको टर्न ऑफ करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल एन 800 एम्पियर जीटीओ विल रिक्वायर अ नेगेटिव पल्स ऑफ 200 एम्पियर. मतलब अगर आपको 800 एम्पियर का जो कैरेक्टरिस्टिक वाला जो जीटीओ है उसको टर्न ऑफ करना है, तो आपको 200 एम्पियर का नेगेटिव पल्स देना पड़ेगा, व्हिच इज ह्यूज इन टर्म्स ऑफ द परसेंटेज. ठीक है, तो 4.50 आप फिगर देखिए, उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपके जीटीओ का जो है कंस्ट्रक्शन कर हो रहा है. तो ये है भाई जीटीओ का कंस्ट्रक्शन, 1 2 3, इसमें आप देख लिए गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर है, इसका सर्किट सिंबल है. तीन तरीके से आप इसके सर्किट सिंबल को बना सकते हैं, और इसका ये वीआई कैरेक्टरिस्टिक है. ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे. द सिंबल्स 1 2 आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. गेट करंट कैन गो इन फॉर टर्निंग ऑन एंड आउट फॉर टर्निंग ऑफ. ये देखो इन ऑन एंड आउट फॉर ऑफ, बट द सिंबल 3 लुक्स लाइक, ये देखो इन ऑन, यहाँ पे इन मतलब ऑन, आउट मतलब ऑफ लुक्स, बट जो 3 है वो लुक्स इजी व्हेन सर्किट कॉन्फ़िगरेशंस यूजिंग जीटीओस आर टू बी ड्रॉन. ठीक है, तो सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है, आप पहला सिंबल याद रखिए, इतने सारे सिंबल्स याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई मतलब नहीं उसका. ठीक, स्टैटिक वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीटीओ. स्टैटिक वीआई कैरेक्टरिस्टिक, चलिए इसको समझते हैं. टिपिकल स्टैटिक वीआई कैरेक्टरिस्टिक फॉर अ जीटीओ थायरिस्टर आर शोन इन फिगर 4.50b. ये है आपका वीआई कैरेक्टरिस्टिक. इट इज सीन फ्रॉम दिस कैरेक्टरिस्टिक्स दैट लैचिंग करंट फॉर लार्ज पावर जीटीओ इज सेवरल एम्पियर्स एज कंपेयर टू 100 एंड 500 मिली एम्पियर फॉर कन्वेंशनल थायरिस्टर.
जीटीओ के केस में जो लैचिंग करंट है उसकी वैल्यू ज्यादा है नॉर्मल थायरिस्टर से. इफ गेट करंट इज नॉट एबल टू टर्न ऑन द जीटीओ इट बिहेव्स लाइक अ हाई वोल्टेज लो गेन ट्रांजिस्टर विद कंसीडरेबल एनोड करंट दिस लीड्स टू द नोटिसेबल पावर लॉस अंडर सच कंडीशन. क्या मतलब है, अगर मैं गेट करंट नॉर्मल, इफ नॉर्मल जो गेट करंट है उससे अगर मैं टर्न ऑन नहीं कर पा रहा हूं, ठीक, तो आप जो है इसको समझ सकते हैं कि ये हाई वोल्टेज लो गेन वाला ट्रांजिस्टर है. मतलब लो गेन क्यों, क्योंकि आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है उसको टर्न ऑन करने के लिए, इसलिए लो गेन. और हाई वोल्टेज चाहिए ही ना, तब तो आप उसको टर्न ऑन करेंगे. तो इसमें पावर लॉस ज्यादा होता है इस तरीके के पर्टिकुलर सिनेरियो में, जब आप जीटीओ को टर्न ऑन करने की कोशिश करते हैं. स्विचिंग परफॉर्मेंस, अ बेसिक गेट ड्राइव सर्किट फॉर अ जीटीओ इज शोन इन फिगर 4.51A. ये 4.51A में बनाया गया है, ठीक है. अब इसको इतना डिटेल में जाके आपको नहीं पढ़ना है, बस आप इसके फिगर को ध्यान में रखेंगे. ये सब सर्किट्स आप ये सब ड्रॉ नहीं करेंगे आप, बस आप समझ लेंगे कि किस तरीके से टर्न ऑन या ऑफ हो रहा है. फॉर टर्निंग ऑन अ जीटीओ फर्स्ट ट्रांजिस्टर TR1 इज टर्न ऑन, दिस इन टर्न स्विचेस ऑन TR2 टू अप्लाई अ पॉजिटिव गेट करंट पल्स टू टर्न ऑन जीटीओ. फॉर टर्निंग ऑफ द जीटीओ द टर्न ऑफ सर्किट शुड बी कैपेबल ऑफ आउटपुटिंग अ हाई पीक करंट. यूजुअली अ थायरिस्टर इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस. करना क्या है भाई, ये है आपका ट्रांजिस्टर TR1. जैसा ही आपने TR1 को ऑन किया, ये इस रजिस्टर से इसके बेस से कनेक्टेड है. अब ये आपका इनपुट है, यहाँ से आपका एमिटर है जो ग्राउंडेड है, तो ये कलेक्टर से जो आउटपुट आ रहा है वो इस रजिस्टर के थ्रू किससे कनेक्टेड है, TR2 से कनेक्टेड है. मतलब ये ऑन हुआ तो ये भी ऑन हुआ, ठीक है, कुल मिला के यही हो रहा है. तो और अगर टर्न ऑफ करना है तो आप T1 को टर्न ऑफ करेंगे, T1 टर्न ऑफ होगा तो T2 भी टर्न ऑफ हो जाएगा. देखो TN टर्न ऑन करेंगे तो लार्ज नेगेटिव गेट करंट जो है वो टर्न ऑफ कर देगा किसको, GTO को, ठीक है. तो यहां से ये बोल रहा है कि पहले TR ऑन को ऑन करेंगे तो TR2 अप्लाई हो, जैसे मैंने आपको अभी बताया. फिर यहां से ये बोल रहा है कि टर्न ऑफ प्रोसेस इनिशिएट करेंगे थायरिस्टर को गेट करके. ओके, थायरिस्टर को गेट करके, तो ये जो थायरिस्टर है उसको आप गेटिंग करेंगे, उसकी इसमें नेगेटिव पल्स अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो टर्न ऑफ हो जाएगा. ये T1 है और ये उसका रेप्लिका है, ठीक है. तो इस तरीके से आप उसको टर्न ऑफ कर देंगे. ऑन करने के लिए TR1 TR2 की हेल्प लेंगे, ऑफ करने के लिए आप डायरेक्टली T1 के अक्रॉस के अप्लाई कर देंगे, नेगेटिव पल्स अप्लाई कर देंगे, ठीक है. तो गेट टर्न ऑन करना है, उसका प्रोसेस जो है GTO इज सिमिलर टू द कन्वेंशनल थायरिस्टर. गेट टर्न ऑन टाइम फॉर GTO इज मेड अप ऑफ डिले टाइम, राइज टाइम एंड स्प्रेड टाइम, जैसे हमने थायरिस्टर में पढ़ा था. तो इसमें कुछ नई चीज नहीं है, उसको आप उसी के रिस्पेक्ट में पढ़ लेंगे. और गेट टर्न ऑफ करना है, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक वो डिफरेंट होगा जो SCR में होता है. बिफोर द इनिशिएशन ऑफ द टर्न ऑफ प्रोसेस अ GTO कैरीज अ स्टेडी स्टेट करंट IA. दिस फिगर शोज अ टिपिकल टर्न ऑफ डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक फॉर अ GTO. द टोटल टर्न ऑफ टाइम TQ इज सब डिवाइडेड, तो इतने सारे टाइम TQ इज इक्वल टू TS प्लस TF प्लस TT. अब इसमें TS TF TT क्या है, वो सारे जो टर्न ऑफ टाइम हम लोगों ने कंसिडर किए हैं वो सारे के सारे. क्या क्या टर्न ऑफ टाइम कंसिडर किया है आपने, इसमें स्टोरेज पीरियड आ गया, फॉल पीरियड आ गया और टेल पीरियड आ गया, ठीक है. तो इस तरीके से आप उसको समझ सकते हैं. मैं पहले भी बोल रहा हूँ आपको इतने डिटेल में जाके इस डायग्राम को बनाने की जरूरत नहीं, ठीक. आप सिर्फ क्या ध्यान में रखेंगे इस पर्टिकुलर सर्किट में, आप इन तीनों सिंबल को ध्यान में रखेंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक ध्यान में रखेंगे, बेसिक एप्लीकेशन ध्यान में रखेंगे, बेसिक कंस्ट्रक्शन ध्यान में रखेंगे, किस तरीके से उसका स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक और स्विचिंग परफॉर्मेंस है वो ध्यान में रखेंगे. यहां तक लाके आप छोड़ देंगे इस इक्वेशन तक, इस इक्वेशन के बाद आपको इस पर्टिकुलर डायग्राम को एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं, अदरवाइज इट विल बिकम कॉम्प्लेक्स फॉर यू टू रिमेंबर, ठीक है. और GTO has made following disadvantages as compared to, क्या-क्या disadvantage हैं? पहला तो magnitude of latching current, holding current ज़्यादा है, पहले ही पढ़ लिया हम लोगों ने, ठीक. On state voltage drop जो है वो drop ज़्यादा होगा, power loss ज़्यादा होगा. क्यों? क्योंकि भाई इसको ज़्यादा voltage चाहिए on करने के लिए, ज़्यादा current rating चाहिए. Due to the multi cathode structure of GTO, triggering gate current is higher than the conventional SCR. Multi cathode है इसके कारण, ठीक. क्यों मल्टी कैथोड है भाई, क्योंकि आप यहाँ पे थायरिस्टर के साथ दो ट्रांजिस्टर भी यूज कर रहे हो, इसलिए मल्टी कैथोड स्ट्रक्चर हो गया. यहाँ से भी आप देख सकते हो कैथोड में आपने टर्न ऑन और टर्न ऑफ, इन और आउट दोनों लिया है ना, इसलिए मल्टी कैथोड बोल रहा है वो उसको, ठीक. गेट ड्राइव सर्किट लॉसेस आर मोर, सर्किट लॉसेस ज्यादा है गेट ड्राइव करने के लिए. इट्स रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी इज लेस देन इट्स फॉरवर्ड वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी, बट देयर इज नो डिसएडवांटेज सो फार एज इन्वर्टर सर्किट्स आर कंसर्न्ड, ठीक है. तो इन्वर्टर सर्किट में तो कोई डिसएडवांटेज नहीं दिखता है, बट अदरवाइज इफ यू सी आपका जो GTO है उसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस गिनाए गए हैं यहाँ पे, काउंट करवाए गए हैं एज कम्पेयर टू द थायरिस्टर. क्या एडवांटेजेस हैं
faster hai iski switching speed as compared to the SCR. Second, its surge current capability is comparable with an SCR. ठीक है, सर्ज करंट के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे. सर्ज करंट मतलब जैसे कि अचानक से जो करंट आता है ना आपके सर्किट में, जो आपके सर्किट को क्या कर देता है, टर्न ऑफ कर देता है ना, सर्जिंग इफेक्ट बोलते हैं उसको. जैसे ब्लैकआउट होता है, जब ब्लैकआउट होता है ना तो पावर हाउसेस में, थर्मल पावर हाउसेस में जब ब्लैकआउट होता है तो सर्जिंग करंट की वैल्यू हाई हो जाती है. ठीक है, सर्जिंग करंट वो है जो आपको बताता है कि किस लिमिट के ज्यादा आपको करंट की वैल्यू को ड्रॉ नहीं करना है उस आउटपुट, उस पर्टिकुलर सर्किट से, उस लोड से. उससे ज्यादा वैल्यू को अगर आपने ड्रॉ कर लिया तो दिक्कत होती है उसमें. ठीक है, GTO सर्किट कॉन्फ़िगरेशन है लोअर साइज एंड वेट. एस साइज उसका लोअर है, वेट कम है. क्यों है, क्यों है? क्योंकि आप कोई अलग से कम्यूटेशन सर्किट अप्लाई नहीं कर रहे हो उसको टर्न ऑफ करने के लिए, या अलग से कोई ट्रिगरिंग नहीं कर रहे उसको टर्न ऑन करने के लिए. बिल्कुल गेट के थ्रू वो टर्न ऑन टर्न ऑफ हो जा रहा है और जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं वहां से. GTO unit has higher efficiency because an increase in gate drive power loss and on state loss is more than compensated by an elimination of force commutation losses. क्योंकि force commutation नहीं है तो उसकी वजह से जो losses होगा वो कम होगा, तो इसका जो gate driving power जो loss है वो कम हो जाएगा और on state loss है वो भी compensate हो जाएगा क्योंकि हमने forced commutation को prefer नहीं किया या use नहीं किया है. GTO unit has reduced acoustical and electromagnetic noise due to the elimination of commutation chokes. जो choking use करते हैं ना, inductor मतलब choke होता है, हम लोगों ने पढ़ा है network में, तो वो हम use नहीं कर रहे हैं, इसलिए GTO जो है उसमें acoustical और electromagnetic noise कम होता है. So इतने सारे facts हैं जो GTO को जो है पावरफुल बनाते हैं ICR के रिस्पेक्ट में. डिपेंड करेगा, एडवांटेजेस भी हम लोगों ने पढ़ लिया, डिसएडवांटेजेस भी हम लोगों ने पढ़ लिया. अब आप डिसाइड कर लेंगे अपने एप्लीकेशन के हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग कि कौन सा आपको सर्किट प्रिफर करना है. ठीक है, तो इन व्यू ऑफ अबव फैक्ट्स GTO डिवाइसेस आर नाउ बीइंग यूज्ड फॉर हाई परफॉर्मेंस ड्राइव सिस्टम्स, जहां पे फील्ड ओरिएंटेड कंट्रोल हो, रोबोटिक्स हो, मशीन हो, वहां पे यूज करेंगे. लाइटर वेट चाहिए आपको, जैसे ट्रैक्शन पर्पस में लाइटर वेट चाहिए होता है. एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर ड्राइवर्स में हम इसको यूज करेंगे. रेटिंग इसकी 2500 वोल्ट से वोल्ट होती है और 1400 एम्पियर, मतलब वोल्टेज चाहिए तो 2500 वोल्ट लिखेंगे और करंट चाहिए आपको तो 1400 एम्पियर इस रेटिंग में अवेलेबल होता है GTO. इस अप टू मतलब इससे नीचे भी है, मैक्सिमम आपका 2500 वोल्ट और 1400 एम्पियर का करंट मैक्सिमम रेटिंग आपकी रहेगी GTO. सो दिस इज ऑल अबाउट GTO. सो वी हैव कंक्लूडेड आवर सिलेबस ऑफ फर्स्ट यूनिट. सेकंड यूनिट का भी हाफ पोर्शन हम लोग कवर कर चुके हैं. नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रेक्टिफायर के बारे में, कन्वर्टर के बारे में, जो हाफ वेव फुल वेव आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसको थायरिस्टर से देखेंगे कि किस तरीके का उसका कंस्ट्रक्शन होगा. एंड वी विल फिनिश द सेकंड यूनिट आल्सो इन कमिंग टू लेक्चर्स. थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस पर्टिकुलर लेक्चर ऑन GTO.